माई नेम इज अंकिता तोमर एंड आज जो मैं लैंडमार्क जजमेंट लेकर के आई हूँ वो है एस आर बोमाई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया ठीक है सबसे पहले एक बार देख लेते हैं इफ एम ऑडिबल टू यू ऑल प्लीज लेट मी नो इफ एम ऑर्डिबल If anyone is live, please let me know if I'm audible to you. ओके ओके थैंक थैंक यू यू काजल फॉर लेटिंग मी नो दैट आई एम ऑडिबल एंड ओके चलिए हम स्टार्ट करते हैं तो आज का जो केस है है हमारा वो एसआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जैसे कि मैंने पहले भी बताया एंड आप थंबनेल पे भी नाम देख सकते हैं अब सबसे पहले तो आ, क्या स्टोरी है इस केस की और कौन लोग हैं इस केस में इन्वॉल्व एसआर आर बोमाई कौन है मैटर क्या था इस केस के अंदर इन्वॉल्व वो सब हम देखते हैं ठीक है सो so, um, पहला जो है एस आर बोमाई जी कौन थे, थे वो थे फॉर्मर सीएम ऑफ कर्नाटका स्टेट ऑफ कर्नाटका के वो फॉर्मर सीएम थे 1988 में उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी स्टेट गवर्नमेंट बनाई थी अपनी कर्नाटका के अंदर एंड जनता पार्टी को वो बिलोंग करते थे ठीक है तो अब जो दूसरी बात थी वो था कि प्रोविजन क्या थे जो या अगर हम देखें तो मैटर जो था केस का वो क्या था बेसिकली मैटर जो था वो था आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि में, 28 में, तीन तरह के दी है. पहली है स्टेट इमरजेंसी तीसरी है फिनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल थ्री ठीक है तो उन्हीं में से जो दूसरी इमरजेंसी यानी कि स्टेट इमरजेंसी अंडर आर्टिकल थ्री उसके ऊपर ये केस है अब ये केस लाने की जरूरत क्यों पड़ी स्टेट uh, ऑफ कर्नाटका में जब एस आर बोमाई जी सीएम थे तब वहां पर प्रेसिडेंट्स रूल लग गया था स्टेट को प्रेसिडेंट्स रूल भी कहा जाता है या फिर फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी या फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वर्किंग भी कहा जाता है इन अदर वर्ड्स ओके सो वहां पर प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया गया था 1989 में जिसकी वजह से एस आर बोमाई जी ने एक केस फाइल किया था कर्नाटका कोर्ट में जिससे वहां से जिसने आगे अपनी जर्नी देखी सुप्रीम कोर्ट तक ठीक है जो दूसरी चीज यहाँ इस केस इस पर्टिकुलर केस में आ, सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन करी थी वो थी स्टेट एंड सेंटर के रिलेशन के बारे में सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन कैसे होने चाहिए इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही थी अब हम देखते हैं कि आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स जिसकी मैं बात करी थी स्टेट इमरजेंसी वो बेसिकली कब लगती है कैसे लगती है ठीक है सो हेलो हेलो डेविड इफ द प्रेसिडेंट ऑन दी रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर ऑफ दाइज ठीक है क्या है दो ग्राउंड है. है कि गवर्नर uh, की रिपोर्ट मिले प्रेसिडेंट को अकॉर्डिंगली uh, uh, फंक्शन नहीं कर पा रहा है या सेंटर की दी हुई किसी गाइडलाइन का किसी कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइन का जानबूझ करके अः uh, uh, पालन नहीं कर रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में गवर्नर uh, अपनी एक रिपोर्ट बनाएगा और प्रेसिडेंट को देगा जिसके अंतर्गत प्रेसिडेंट जो है आपने पावर अंडर आर्टिकल 356 को एक्सरसाइज कर सकते हैं और दूसरा क्या है

उसके अकॉर्डिंगली बेसिकली एक प्रेसिडेंट होता है और प्रेसिडेंट और सेंटर गवर्नमेंट की इच्छा के अनुसार एक पर्सन को हम गवर्नर बना देते हैं वही गवर्नर स्टेट को रूल करता है कब जब स्टेट uh, इमरजेंसी लग जाती है और उसके हाथ में डायरेक्ट पावर्स आ जाती है यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि जो स्टेट uh, की पावर्स uh, जो स्टेट की पावर्स हैं जो इन जनरल सीएम के पास या कैबिनेट के पास होनी चाहिए थी वो किसके पास चली जाती है गवर्नर और गवर्नर के थ्रू इनडायरेक्टली इन दी हैंड ऑफ देंट्रल गवर्नमेंट ठीक है अब क्योंकि ये एक ऐसा प्रोविजन है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो टेंडेंसी हमारी जो डेमोक्रेसी है उसको यूनिटरी बना देता है ठीक है बेसिकली स्ट्रक्चर uh, क्या है हमारा कि स्टेट के पावर स्टेट के हाथ में कुछ पावर्स सेंटर के हाथ में है ठीक है कुछ पावर्स है जो सिर्फ सेंटर के ही हाथ में कुछ पावर्स है जो स्टेट तो और सेंटर दोनों के बीच में डिवाइडेड है ठीक है बट जब स्टेट इमरजेंसी लगती है तो सारे के सारे पावर्स जो है कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं किसके हाथ में सेंटर के हाथ में तो ये एक तरह से डेमोक्रेसी को थोड़ा डिलीट कर देता है या आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी को थोड़ा सा कवर अप कर देता है ठीक है एक एक्लिप्स की तरह काम करता है डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के ऊपर तो इसीलिए क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर क्र को ओवर uh, करती है तो सी बात है कि इसका मिस भी हो सकता है और इसका कुछ यूज इसके कुछ यूजेज भी होंगे यूजेज है इसीलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशन में इनबाइब किया गया है और मिस हुआ इसीलिए इसके ऊपर एक केस भी आया कई केसेस आए हैं जिनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस है सर uh, वाला एंड इसकी रिक्वायरमेंट क्यों थी वो हम देखते हैं आर्टिकल 356 फिफ्टी सिक्स वॉज रिक्वायर्ड टू बी दार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू कॉम्बैट वेयर स्टेट गवर्नमेंट सो इन हैंड जहाँ स्टेट गवर्नमेंट को लगेगा कि हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं या हमसे हमारी सरकार नहीं संभल रही है तो उस पर्टिकुलर केस में आ, स्टेट गवर्नमेंट के पास में ये बेसिकली एक आ, आप कह सकते हैं कि एक इलाज जैसा है अपनी प्रॉब्लम्स का कि वो अपनी गवर्नमेंट को सरेंडर कर दे सेंटर के सामने या गवर्नर के सामने और फिर गवर्नर और सेंटर जो है वो आकर के पावर्स को अपने हाथों में ले ले और एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में ले ले स्टेट के बट बेसिकली uh, तो ऐसा होना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट खुद हेल्पलेस फील करे या द पब्लिक द पीपल ऑफ द स्टेट फील करें कि हम हेल्पलेस हैं हम स्टेट गवर्नमेंट जो है हमारी अच्छी नहीं है हमें कॉन्स्टिट्यूशन uh, के अकॉर्डिंग नहीं चला पा रही है या उसकी फंक्शनिंग जो है वो बहुत क्योटिक है बट होता क्या है इसका मिस ऐसे होता है कि uh, जब भी uh, कोई रूलिंग पार्टी जो कि सेंटर में है और दूसरी पार्टी जो कि स्टेट में है वो दोनों अगर सेम पार्टीज नहीं है तो इंट्रा पार्टी कॉन्फ्लिक को सॉल्व करने के लिए या इंट्रा पार्टी इश्यूज को सॉल्व करने के लिए सॉर्ट करने के लिए एक जगह से अपनी सरकार किसी की सरकार गिरा करके अपनी सरकार वहां बनाने के लिए इस पावर को ऑफन यूज किया जाता है ऑन मोर देन नाइनटी ओकेजन दिस स्टेट इमरजेंसी हैज बिन इम्पोज इन इंडिया ठीक है ऑन डिफरेंट स्टेट तो बेसिकली मैक्सिमम टाइम जो आउट ऑफ नाइनटी में से अगर हम देखें तो मैक्सिमम टाइम

Uh, इस जब ये प्रोविजन को कॉन्स्टिट्यूएंट uh, असेंबली में सुनाया गया था बताया गया था तो इमरजेंसी का पूरा जो चैप्टर है वो इट इज वेरी मच क्रिटिसाइज ठीक है उसमें से uh, जो स्टेट इमरजेंसी है उसको और ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बट तभी अंबेडकर जी ने एक स्टेटमेंट दी दैट आई शेयर देंटिमेंट दैट सच आर्टिकल्स विल नेवर बी कॉल्ड इनटू ऑपरेशन एंड दे वुड रिमेन अ डेड लेटर अंबेडकर जी को भी पता था कि इस प्रोविजन का बहुत ज्यादा मिसयूज होने के चांसेस है बट ऑल ही कुड डू इज एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट फ्रॉम फ्रॉम द पीपल एंड प्रेसिडेंट दैट इट विल नॉट बी उन्होंने क्या कहा कि मैं ऐसा आ, मान मैं ऐसा मान के चलता हूं या मैं अपने ऐसे सेंटिमेंट शेयर करता हूं जहां मैं चाहता हूं कि इस प्रोविजन का कभी इस्तेमाल ना हो इसे कभी भी ऑपरेशन में ना लाया जाए ये एक डेड लेटर की तरह रिमेन करे ठीक है एक बिल्कुल आ, निर्जीव अंग की तरह बस संविधान में बना रहे बट इसका कभी इस्तेमाल ना हो If at all they were to be brought into operation, अगर इन्हें आप इस्तेमाल में लाते भी हैं तो जो पहली चीज मैं उम्मीद करता हूं प्रेसिडेंट से वो ये है कि प्रेसिडेंट प्रॉपर प्रिकॉशन लें ठीक है पूरी एहतियात बरतें और उसके बाद स्टेट इमरजेंसी को इन्वॉल्व करें जो पहली चीज उनसे मैं उम्मीद करता हूं ये है कि ही वुड बी दैट ही विल डू

द सेकेंड थिंगटल दटल दैटर्स बायसेस अब दूसरी चीज क्या थी दूसरी चीज वो ये उम्मीद करते थे कि जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्शन अलाउ कर दें और लोगों को खुद ही अपना मैटर सॉल्व करने की अ, अ, इच, अ, अ, पावर दे दें ठीक है बट अगर ये दोनों ही बातें फेल हो जाती हैं यानी कि अगर वार्निंग के बाद भी स्टेट अपना ढंग से काम नहीं करता है और अगर इलेक्शंस भी पॉसिबल नहीं है इलेक्शंस के बाद भी जनता जो है इलेक्शंस नहीं चाहती है वो चाहती है कि प्रेसिडेंट रूल लग जाए तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में इन दोनों ग्राउंड के मीट आउट होने के बाद में अगर फिर भी फेलियर देखा जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का तब जो है आप आर्टिकल थ्री को इन्वोक करें अब ये आर्टिकल प्रॉब्लोमैटिक क्यों है जैसा कि मैंने बताया कि जी को भी लगता था कि ये आर्टिकल तो साबित होगा किसी ना किसी ना दिन ठीक है उनको बिल्कुल इस बात का अंदाजा था तो उन्होंने कहा कि आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स रिपीटेडली ठीक है मैंने पहले भी बताया कि कई बार इसको ऑन नाइन ओकेजन इट हैज बीन इम्पोज मोर देन नाइनटी ओकेजन इट हैज इम्पोज ठीक है एंड मैक्सिमम टाइम्स डाउटफुली था कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी थी इम्पोजिशन ग्राउंड की या नहीं थी दूसरी चीज रिप, रिपीटेडली अब्यूज हो ही रहा है ये पावर कई जगह हम देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो है इफ दे आर कंट्रोल्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी अपोज टू द रूलिंग पार्टी एट द फेडरल लेवल तो दोनों आपस में अपने क्लाशेस को सीक आउट करने के लिए अपने प्रॉब्लम्स को मीट आउट करने के लिए इमरजेंसी लगा देते हैं ठीक है इट ऑल्सो मिलिटेट अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक डॉक्ट्रिन ऑफ द पॉपुलर सोवरेनिटी

एक पर्टिकुलर uh, कुछ लोगों ने प्रेसिडेंट ने और गवर्नर ने मिल करके उस गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दिया तो बेसिकली एक पावर ने uh, जो कि uh, जनता की जो इच्छा थी उसको सुपरसीड uh, किया और अपनी इच्छा वहां चलाई तो ये क्या हुआ ये डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन हुआ डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को ओवर करना हुआ इसीलिए ये पूरा जो आर्टिकल 356 है वो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है अब हम केस केस के के फैक्ट्स फैक्ट्स की की तरफ चलते हैं ये के थे कि नौ की एक बेंच बैठी थी सुप्रीम में, आ, कोर्ट में ठीक है तो एस आर बोमाई जी जो थे वो जनता पार्टी के आ, मेंबर थे लीडर थे और सीएम बने वो कर्नाटका के 1988, जब से ये पार्टी जीत गई लेजिस्लेटिव असेंबली में सितंबर 1988 को जनता पार्टी लोक दल करके एक दूसरी पार्टी थी जिसके साथ मर्ज हो गई और उन्होंने अपनी पूरी पार्टी का एक नया नाम रखा जिसका नाम था जनता दल इसके साथ में इस मर्जिंग के साथ में तेरह लोगों का और एडिशन हुआ मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री में को एक्सपैंड किया गया तेरह लोगों को और उसमें इन्वॉल्व किया गया एड किया गया अब दो दिन के बाद में इलेक्शन जीतने के दो दिन के बाद में या इन तेरह लोगों के एडिशन के दो दिन के बाद में क्या हुआ कि के आर के आर मोलाकेरी करके एक लेजिस्लेटर थे जनता दल के जो डिफेक्ट करके डिफेक्ट मतलब एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले गए उन्होंने कहा कि मैं जो है अपना सपोर्ट विद्रॉ कर रहा हूं जनता दल से मैं इस पार्टी का हिस्सा नहीं रहना चाहता और मैं यहाँ से अपना सपोर्ट विद्रॉ करता हूँ साथ ही में उन्होंने अपने लेटर के साथ साथ उन्नीस और लोगों द्वारा साइन किया हुआ एक लेटर गवर्नर को पेश कर दिया कि हम सब लोग जो है आ, अपना सपोर्ट जो है विद्रॉ करना चाहते हैं उस समय गवर्नर थे कांति ठीक है उन्होंने इस लेटर को लिया और लेकर के प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म कर दिया नाइनटीन ऑफ अप्रैल को एक रिपोर्ट भेजी प्रेसिडेंट को कि जो रूलिंग पार्टी है विच लेड टू द विड्रॉल जो रूलिंग पार्टी है उसके पास में अब मेजोरिटी नहीं बची है ठीक है अब इसके बाद में हेलो रश्मि अब प्रेसिडेंट को और साथ ही और गवर्नर ने को किया कि आप जो है आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स के अंतर्गत अपनी पावर का इस्तेमाल करें और इमरजेंसी को लगा दें स्टेट में उसी के अगले दिन यानी कि 19 तारीख को जब ये लेटर आया था और गवर्नर ने रिक्वेस्ट किया था प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए उसी के अगले दिन 19 में से सात लेजिस्लेटर्स ने आकर के गवर्नर से कंप्लेन करी कि सर हमने जो लेटर साइन किया था वो किसी और प्री पे किया था हमें तो कुछ मिसरिप्रेजेंट करके लेटर साइन करवाया गया था हमने हम बिल्कुल भी अपना सपोर्ट जो है वो विड्रॉ नहीं करना चाहते प्रेजेंट गवर्नमेंट से उसी के साथ में उसी दिन सीएम और लॉ मिनिस्टर यानी कि एस आर बोमाई जी और उनके लॉ मिनिस्टर जो थे वो गवर्नर से जाके मिले और उन्होंने कहा कि हम लोगों ने एक डिसीजन लिया है हम असेंबली को समन कर रहे हैं और जब हम असेंबली को समन करेंगे तो हम वहीं अपना कॉन्फिडेंस भी प्रूव करना चाहते हैं इसके चलते गवर्नर ने एक टेलेक्स मैसेज भेजा प्रेसिडेंट को एंड एंड लॉ अब गवर्नर ने ये ले लेटर तो भेजा बट उसी दिन तारीख को ही शाम में एक और लेटर भेजा प्रेसिडेंट को जिसमें उन्होंने वापस से वही बात रिपीट हैज लॉस्ट कॉन्फिडेंस एंड एंड अगेन पार्लियामेंट uh, uh, sub, uh, sub, uh, के पास पावर होती है अप्रूव करने की एमरजेंसी uh, को तो वहां पे पार्लियामेंट ने एमरजेंसी को अप्रूव भी कर दिया प्रेसिडेंट ने लगाई एमरजेंसी थ्री फिफ्टी सिक्स वन में और थ्री फिफ्टी सिक्स में पार्लियामेंट uh, ने तुरंत उसको अप्रूव भी कर दिया तो एस आर बोमई जी जो है इसके बाद उन्होंने एक रिट पेटिशन लगाई अप्रैल 1989 को चैलेंजिंग वैलिडिटी ऑफ प्रोक्लेमेशन तीन जजेस की बेंच बैठी हाई कोर्ट में जिसने इस पेटिशन को डिसमिस कर दिया जिसके चलते एस आर बोमई जी जो है वो सुप्रीम कोर्ट गए अब जो उनकी रेड पिटिशन थी उसका जो मैटर था वो मेघालय नागालैंड मध्य प्रदेश राजस्थान हिमाचल प्रदेश जहां पर अलग अलग टाइम्स पे इमरजेंसी लग चुकी थी मध्य प्रदेश में जब डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद हुआ था उस समय इमरजेंसी लगी थी सो आ, इन ऐसे इन आ, ऐसी अलग अलग स्टेट्स में जब इमरजेंसी लगी हुई थी तो उन उन स्टेट्स ने भी उनकी गवर्नमेंट से जब सस्पेंड कर दिया गया था डिसमिस कर दिया गया था उनके स्टेट लेजिसलेटर्स को तो उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में इस पिटिशन को लाया कि इस इमेज मतलब इमरजेंसी की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज uh, करते हुए तो उन सब पेटिशन को मिला करके एसआर आर बोमाई जी की पेटिशन के साथ में कंजॉइंटली ट्राई किया सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्ग्यूमेंट्स थे इस पर्टिकुलर केस में वो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर 1993 को चालू हुए और दिसंबर के लास्ट वीक में जाकर के समअप हो गए थे अब सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया दैट पहली चीज अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर था और सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना था कि आ, जो आ, आर्टिकल 356 को इम्पोज करने का तरीका है क्या वो वैलिड है या नहीं आर्टिकल 356 कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है इसकी जरूरत है प्रेजेंट टाइम में या नहीं है और अगर है तो इसका imposition किस तरह से होना चाहिए क्या चीजों को हमें ध्यान में रखना है तो उसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस ले डाउन करी गाइडलाइन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा द मेजोरिटी एंजॉयड बाई द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी टेस्टेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस दैट इज फ्लोर टेस्ट करने का मौका दीजिए फ्लोर टेस्ट क्या होता है कि जब भी किसी पार्टी की पास से जाती है है अगर आपको लग रहा है कि ये अपनी प्रूव नहीं कर पाएंगे तो आपको उनको एक आखिरी मौका देना है कि आप जो है असेंबली में प्रोटेस्ट करवाइए आप अपने यहाँ पे आकर के मेजोरिटी प्रूव कीजिए ठीक है सेंटर शुड दूसरी चीज उन्होंने कहा सेंटर शुड गिव अस वार्निंग टू द स्टेट एंड अ टाइम पीरियड ऑफ वन वीक टू रिप्लाई दूसरी बात क्या करी कि जब भी आपको लगता है कि स्टेट जो है वो सेंटर के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है या संविधान के साथ साथ नहीं चल रहा है तो आप उस केस में स्टेट को सबसे पहले एक वार्निंग दीजिए और उन्हें दीजिए एक हफ्ते का समय जिसमें वो रिप्लाई कर सके दूसरी चीज तीसरी चीज उन्होंने कहा कि द कोर्ट के नॉट क्वेश्चन द एडवाइस स्टैंडर्ड बाई दी, दी कैबिनेट मिनिस्टर्स by the council of ministers to the president, but it can question the material behind the proclamation of uh, by the president. Hence, judicial review will involve three questions. ठीक है? अब इसके ऊपर एक ये सवाल भी उठा था इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि uh, एक प्रोविजन ये भी था कि आप जो है इमरजेंसी जब लगेगी तो उसके ऊपर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने क्या एडवाइस एडवाइस दिया है प्रेसिडेंट को को आप उस क्वेश्चन नहीं कर सकते या आप क्या एडवाइस एडवाइस थी उस के बारे में आप नहीं जान सकते ठीक है और कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा इमरजेंसी लगाई हुई इमरजेंसी का या उस दी हुई एडवाइस का ठीक है ये एक प्रोविजन था तो इसके ऊपर भी सवाल उठा कि क्या जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट से इसको हटा देना सही है क्या ये जस्टिफाइड है तो उस पर आ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो है एडवाइस क्या थी वो तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते लेकिन मटेरियल क्या था मटेरियल इन द सेंस कि बेसिक सब्सटेंस क्या था या बेसिक एक एलिमेंट क्या था एक रीजन वो क्या था जिसकी वजह से एक या दो जो भी रीजंस थे वो क्या थे जिसकी वजह से आपको इमरजेंसी लगाने की जरूरत महसूस हुई वो आप पूछ सकते हैं ठीक है और उन्होंने कहा कि ज्यूडिशियल रिव्यू जो है वो तीन क्वेश्चंस के ऊपर हो सकता है पहला क्या है दूसरा तीसरा तो इन चीजों इन तीन चीजों का जो है आप जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी तभी लगाई जाती थी जब हम मैलिफाइड यूज ऑफ पावर कर रहे होते थे यानी कि जरूरत से ज्यादा हम उसका गलत उपयोग करने के लिए उस प्रोविजन को हम इन्वोक कर रहे थे बार-बारी ठीक है है तो ने ने इसलिए कहा कि इन तीन पे जो है, आप बिल्कुल बेशक जाकर के चैलेंज कर सकते हैं इमरजेंसी को और उसका जुडिशल रिव्यू भी हो सकता है तीसरा इफ देर इज इम्प्रॉपर यूज ऑफ आर्टिकल 356 फिफ्टी सिक्स कोर्ट विल प्रोवाइड फॉर सम काइंड ऑफ रेमेडी ठीक है एक और ये सवाल था कि अगर जो इमरजेंसी uh, लगती है ठीक है अगर इमरजेंसी लगाई है और वो इम प्रॉपर राउंड है इम प्रॉपर यूज ऑफ आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स है तो बेशक आपको रेमेडी भी मिलेगी फिर सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये कहा कि अंडर आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स थ्री इट इज द लिमिटेशन ऑन द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स थ्री जैसे कि मैंने पहले बताया था कि पार्लियामेंट के पास पावर होती है अप्रूव करने की प्रेसिडेंट द्वारा लगाई हुई इमरजेंसी को अप्रूव करने की पावर दी होती है अ, पार्लियामेंट के पास में और वो पावर दी हुई है आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स में तो बेसिकली ये एक जो का पावर है वो प्रेसिडेंट के पावर पे एक लिमिटेशन की तरह काम करता है, ठीक है? क्योंकि अगर जो है वो अग्री नहीं करती है इमरजेंसी के, के लिए तो वो इमरजेंसी जो है दो महीने बाद सीज कर जाती है सो so, आर्टिकल 356 फिफ्टी सिक्स थ्री इज अ लिमिटेशन ऑन द पॉवर ऑफ द प्रेसिडेंट हेज द प्रेसिडेंट शेल नॉट टेक एनी इन रिवर्सिबल एक्शन दी प्रोक्लेमेशन इज अप्रूव बाई दार्लियामेंट क्या होता था कि रूल लगा और प्रेसिडेंट रूल लगते ही स्टेट लेजिस्लेचर को डिजोल्व किया जाता था असेंबली डिजोल्व कर दिया जाता था uh, जो uh, uh, जो गवर्नमेंट होती थी स्टेट में उसको सस्पेंड कर दिया जाता था तो प्रेसिडेंट ने कहा जो तो, uh, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि आर्टिकल 356 फिफ्टी में एक लिमिटेशन दिया हुआ है प्रेसिडेंट की पावर के ऊपर तो प्रेसिडेंट तब तक कोई इन एक्शन नहीं लेगा जब तक कि पार्लियामेंट खुद भी अप्रूव नहीं कर देता है इमरजेंसी की वैलिडिटी को ठीक है फिर आर्टिकल 356 फिफ्टी इज जस्टिफाइड ओनली वेन देयर इज अ ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का अगर ब्रेकडाउन है तभी आप आर्टिकल 356 को जस्टिफाइड मानेंगे एंड नॉट

इसमें हम उसे कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर ऑफ मशीन कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर मानते हैं और तब हम स्टेट इमरजेंसी लगा देते हैं लगा सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स के ऊपर हम स्टेट uh, इमरजेंसी नहीं लगाएंगे स्टेट अब यहाँ पे सेंटर स्टेट के रिलेशन की बात करी सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि इस पावर को जो है बहुत ही एहतियात के साथ आपको इस्तेमाल करना है वरना जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है ना स्टेट और सेंटर का वो बिल्कुल बिगड़ जाएगा वो तहस नहस हो जाएगा

Uh, कुछ गाइडलाइंस uh, लिखे कुछ गाइडलाइंस बताएं ठीक है तो उसी से uh, उस गाइडलाइन जो सरकारी कमीशन की जो गाइडलाइंस थी उनको दिमाग में रखते हुए द सुप्रीम कोर्ट इन द एसआर बोमई केस एनलिस्टेड द सिचुएशंस वेयर द एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर आर्टिकल 356 कुड बी प्रॉपर और इनप्रॉपर ठीक है तो सरकारी कमीशन की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए एसआर uh, बोमई वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ सिचुएशन हम बता रहे हैं जहां पर आ, प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल विल विल बी बी प्रॉपर प्रॉपर और नॉट तो हम पहले प्रॉपर ग्राउंड हंग असेंबली हंग असेंबली यानी कि मेजोरिटी नहीं है अब जो असेंबली है वो बीच में लटक गई है ठीक है कुछ आ, किसी भी तरफ आ, अगर मेजोरिटी नहीं प्रूव हो पा रही है असेंबली में तो उस सिचुएशन में हम उसे हंग असेंबली मानते हैं और तब अगर आप प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी करते हैं तो वो वैलिड होगा

स्टेट इमरजेंसी के इम्पोजिशन के लिए तीसरी बात है कि मिनिस्ट्री रिजाइन आफ्टर अ आफ्टर इट्स डिफीट इन दी असेंबली एंड नो अदर नो अदर पार्टी इज विलिंग और एबल टू फॉर्म मिनिस्ट्री जो मिनिस्ट्री थी वो रिजाइन दे दे ठीक है उस पर्टिकुलर केस में आप प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी लगा सकते इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन कोई डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल है मैं जितनी बार भी ये बात कह रही हूं कि हम संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहे हैं या स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलने का मतलब ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी कहे उसके अकॉर्डिंग चले कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन अगर कोई स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है तो उसका अगर आप डिसरिस्पेक्ट करते हैं या उसका अगर आप पालन नहीं करते हैं तो उस या उसको आप डिसरिगार्ड करते हैं तो उस केस में अ, सेंटर जो है वो इमरजेंसी लगा सकता है इंटरनल सबवर्जन है इंटरनल सबवर्जन आप कह सकते हैं कि आपस में एक रेबल जैसा हो जाए एक रिवोल्ट जैसी सिचुएशन आ जाए जहां पर पार्टीज आपस में लड़ रही हैं या स्टेट में बिटवीन द पीपल कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कि स्टेट गवर्नमेंट नहीं कॉम्बैट करने की हालत में दिख रही है तो उस पर्टिकुलर केस में आप जो है इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं या फिर फिजिकल ब्रेकडाउन हो जाए ठीक है फिर लिखा है इम प्रॉपर ग्राउंड कब है without probing the possibility of forming an alternative ministry to इस गवर्नर को पहले चांस देना है कि आप एक बार देखें कि मिनिस्ट्री बन सकती है नहीं बन सकती अगर आपने वो चांस ही नहीं दिया है तो, और सीधे लगा दी तो वो फिर गवर्नर इस ओन दी फ्लोर टेस्ट अब अगर आपने फ्लोर टेस्ट करने का मौका नहीं दिया जैसा कि एस आर जी वाले केस में हुआ बीस अप्रैल को वो गए थे गवर्नर के पास ये कहने के लिए कि हम कुछ दिन बाद या इक्कीस तारीख को हम जो है असेंबली को समन कर रहे हैं और वहां पे हम अपना फ्लोर टेस्ट देंगे और हम मेजोरिटी प्रूव करेंगे तो वो उनको मौका नहीं दिया गया उसके पहले ही उन इमरजेंसी लगा दी गई थी ठीक है मतलब उनकी गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दिया गया था तीसरी बात लिखी हुई है तो आपको क्या करना है कर, मौका देना है जो गवर्नमेंट है उस टाइम पे उसको आ, फिर है रूलिंग पार्टी सपोर्ट इन असेंबली अ मैसिव डिफीट इन दी जनरल इलेक्शंस ऑफ द लोकसभा ठीक है अब जो रूलिंग पार्टी थी मेजोरिटी में जो पार्टी थी और रूल कर रही थी वो पार्टी ने उस पार्टी को जो है बहुत ज्यादा एक बड़ी हार देखनी पड़ी जनरल इलेक्शन में अगर लोकसभा इलेक्शन में लोकसभा के जनरल इलेक्शन में अगर आपको आ, जो रूलिंग पार्टी थी उसके बहुत सारे लोग हार जाते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में भी आप आ, जो इमरजेंसी है उसको प्रोक्लेम कर सकते हैं फिर है इंटरनल डिस्टर्बेंस नॉट अमाउंटिंग मतलब आ, उस पर्टिकुलर केस में Um, हाँ इंटरनल डिस्टर्बेंस नॉट अमाउंटिंग टू इंटरनल सबवर्जन और फिजिकल ब्रेकडाउन अगर कोई भी ऐसे इंटरनल हैं जो कि इंटरनल सबवर्जन या फिजिकल ब्रेकडाउन नहीं है तो उस पर्टिकुलर केस में आप जो है इमरजेंसी नहीं लगा सकते और अगर आप ऐसी केस में ऐसी इंटरनल डिस्टर्बेंसेज पे इमरजेंसी लगाते तो वो इम्प्रॉपर होगी फिर है मैल एडमिनिस्ट्रेशन अगर मैल एडमिनिस्ट्रेशन है स्टेट में तो उस पर्टिकुलर ग्राउंड पे आप इमरजेंसी लगा दें अगर तो वो इम होगी अगर आप करप्शन के एलिगेशन है जो सरकार है जो रूलिंग पार्टी उसके ऊपर करप्शन के एलिगेश allegation, और उसके चलते आप इमरजेंसी लगा देते हैं स्टेट में तो वो भी इम्प्रॉपर होगी तीसरी बात है कि

फिर है वे द पावर इज यूज टू सॉर्ट इंट्रा पार्टी प्रॉब्लम जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इंट्रा पार्टी प्रॉब्लम एक रूलिंग पार्टी है और एक पार्टी जो अपोजिशन पार्टी है अगर उन दोनों के बीच में कोई मैटर्स है और क्या मैटर्स होते हैं बस रूल में आना होता है एक को अगले को सत्ता से उतार करके दूसरे को सत्ता चाहिए होता है अपने हाथों में तो अगर ये आप बेसिकली इस पावर का यूज कर रहे हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए अपना पोलिटिकल एजेंडा पूरा करने के लिए तो उस पर्टिकुलर केस में भी इसको हम इमप्रॉपर यूज मानेंगे ठीक है इसी के साथ में इस केस को हम सम कर देते हैं तो पर्टिकुलरली uh, जो चीजें आपको याद रखनी है इस uh, केस में वो ये है कि uh, जी का जो केस है है वो सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप्स के बारे में बात करता है। साथ में सरकारिया कमीशन में दी हुई गाइडलाइंस के साथ सुप्रीम uh, कोर्ट ने मिलाकर के कुछ गाइडलाइंस दी थी इस पर्टिकुलर केस के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रॉपर और इम प्रॉपर ग्राउंड बताए थे जिनके ऊपर इमरजेंसी लगाना या नहीं लगाना uh, प्रॉपर होता है या इम प्रॉपर होता है ठीक है फिर सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही में इसमें यह भी बताया कि इमरजेंसी अगर आप प्रोक्लेम करते हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है ठीक है अगर आप स्टेट इमरजेंसी जब भी मैं इमरजेंसी कह रही तो uh, सिर्फ सिर्फ हूँ तो uh, तो uh, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है उन सब बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस रखी थी ठीक है ये जजमेंट आया था और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से uh, हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है प्लीज ध्यान रखिएगा आई होप आप लोगों को uh, मेरा uh, मैंने जो भी समझाने की कोशिश करी है वो आप लोग समझ पाए हो एंड आप लोगों को मजा आया हो सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीबडी हु एंड प्लीज लाइक द चैनल सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो को भी लाइक like कीजिए uh, मैम शाहबानो वाला केस इन नेक्स्ट सेशन ओके पक्का कार्तिक नेक्स्ट सेशन में हम शाहबानो वाला केस लेते हैं चलिए बाई गाइज अ ग्रेट डे एंड थैंक्स अ लॉट